नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। और आज बहुत बड़ी अपडेट जो है आप सभी के लिए आई है। आज इस वीडियो में आप सभी को पता लगने वाला है कि आपके एडमिशन कब होंगे और कब से जो नया सत्र है यूनिवर्सिटी का शुरू होने वाला है और आपके कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी कब से खुलने वाले हैं, यानी कि आप ऑफलाइन मोड में क्लास अपने कॉलेज में कब से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का वीडियो शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं यूनिवर्सिटी से जुड़ा कोई भी अपडेट डालूं तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए तथा महत्वपूर्ण जानकारी आप तक अवश्य पहुँचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी जो जानकारी है वो पहुँच जाए। तथा वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होने के बाद हमें वीडियो बनाना अच्छा लगता है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। जैसा आप सभी को पता है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से ही ये ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिस मिला है। वैसे तो ये देखिए 5/8/2021 को तैयार किया गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इसको आज 12 तारीख में अपडेट किया गया है, यानी कि आज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये देखने को मिला है, लेकिन तैयार इसको 5/8/2021 में किया गया था। अब इसमें जानेंगे आगे क्या क्या डिटेल्स जो है वो दी गई हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो यहाँ पर सेवा में रखा गया है समस्त प्रधानाचार्य, प्राचार्य, सचिव, निदेशक, समस्त संबद्ध महाविद्यालय संस्थान चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, यानी कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं उनके सभी के विभागाध्यक्ष, समन्वयक, निदेशक तथा सचिव, निदेशक, प्राचार्य तथा समस्त प्रधानाचार्य को यहाँ पर सेवा में रखा गया है और उन्हीं को ये जो नोटिस है वो दिया गया है। और इसमें विषय भी दिया गया है, विषय में लिखा गया है कि COVID-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन पुनः प्रारंभ किए जाने के संबंध में, यानी कि दोबारा से आपके कॉलेज रीओपन कब होंगे और उनमें पढ़ाई कब चलेगी, वो इसमें वीडियो में सभी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर पूरा वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, महोदय महोदया, कृपया उपरोक्त विषय पर अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के कार्यालय पर पत्र संख्या जो यहाँ पर दी गई है, एक लेटर आया था उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से और सभी यूनिवर्सिटियों को वो दिया गया। उसमें लिखा गया था कि महाविद्यालय भौतिक रूप से पाठन पठन का पुनः प्रारंभ किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के संलग्न पत्र के आलोक में माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त संबद्ध महाविद्यालय संस्थानों को दिनांक 15/8/2021 को स्वाधीनता दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस व अमृत महोत्सव मनाते हुए दिनांक 16/8/2021 से नियमित कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। संलग्न यथोपारी, यानी कि आपका कॉलेज जो है वो 15 तारीख को ओपन हो जाएगा, 15 तारीख को स्वाधीनता दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस होने के कारण अवकाश तो नहीं रहता लेकिन वर्क भी नहीं होता, तो इसलिए उसको हॉलीडे के बराबर ही माना जाता है। उसमें फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, राष्ट्रीय त्यौहार जिसको कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और जो परपत्र है वो जोड़ा गया है साथ में, और इसमें लिखा गया है कि प्रेक्षक मोनिका एस गर्ग, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिलाधिकारी, निदेशक, उच्च शिक्षा प्रयागराज, कुलसचिव इस सभी को यहाँ पर दिया गया है। और इसमें उच्च शिक्षा अनुभाग की तरफ से आया है, ये 4 अगस्त को आया था दोस्तों, लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आज देखने को मिला है, क्योंकि ये सब कॉलेज को नहीं आया था ये, बल्कि सीधा ही यूनिवर्सिटी को आया था, ये सीधा विभाग की तरफ से यूनिवर्सिटी को भेजा गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने आज इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है और जैसे ही वेबसाइट पर आया मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। तो इसमें विषय दिया गया कि COVID-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य के प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के संबंध में, यानी कि जिस पत्र की मैं बात ऊपर कर चुका हूँ
वह यही पत्र है और इसमें देखिए नंबर ऊपर यही लिखा गया है कि आपका जो प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए अपना कॉलेज शुरू कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है नंबर 1 पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश में स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्रों को पदोन्नत किया गया है। तदनुरूप सभी उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक द्वितीय वर्ष तथा प्रास्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु संस्थान दिनांक 15/8/2021 से प्रारंभ किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्थान में अमृत महोत्सव मनाए जाने के उपरांत दिनांक 16 अगस्त को नियमित रूप से पाठन का कार्य शुरू किया जाएगा। संस्थानों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया 5/8 से प्रारंभ हो जाएगी और जिन संस्थानों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश 12वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर किया जाता है उन संस्थानों का पाठन पठन का कार्य 1 सितंबर से प्रारंभ होगा। जिन संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया के आधार पर प्रवेश लिया जाता है उन संस्थानों में स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएँ दिनांक 13/9/2021 को प्रारंभ की जाएंगी। कोई डाउट हो, कोई कंसेप्ट हो, बोर्ड हो या फिर जेई नीट हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो पढ़ाई संबंधी, तो आपको सॉल्यूशन देगा फिलो ऐप। जी हाँ दोस्तों, किसी भी समय आप अपने सवालों का जवाब 3 सिंपल स्टेप में पा सकते हैं। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने मोबाइल नंबर से साइनअप या फिर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है या फिर गैलरी से अपलोड करना है। उसके बाद इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ 60 सेकंड में आपकी मीटिंग फिक्स कर दी जाएगी, आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो अभी रजिस्टर करें और आस्क फिलो। अगर आपने इस एप्लीकेशन का प्रीमियम लिया है तो मेरा रेफरल कोड LVA001 यूज़ करना ना भूले, इससे आप सभी को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। और आगे अगले पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए स्नातक द्वितीय वर्ष के जिन छात्रों की वर्ष 2020-21 में परीक्षा ली गई है उनका परिणाम 31 अगस्त तक घोषित कर दिया जाएगा। तदुपरांत स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों की जो कक्षाएं हैं 6 दिसंबर से प्रारंभ की जाएंगी। स्नातक तृतीय वर्ष का परिणाम 31 अगस्त तक घोषित कर दिया जाएगा, अतः प्रास्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएं 13 सितंबर से प्रारंभ हो जाएंगी। और नंबर 2 दिया गया है यहाँ पर, शनिवार व रविवार को कोरोना कर्फ्यू होने के कारण विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु सोमवार से शुक्रवार तक ही संचालित रहेंगे। दैनिक समय सारणी भी यहाँ पर दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए संस्थानों द्वारा दैनिक टाइम टेबल बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय की विभागाध्यक्ष डीन कुलपति महाविद्यालय विभागाध्यक्ष प्राचार्य इस सभी को घोषित कर देंगे, यानी कि अपने अनुसार भी अपना टाइम टेबल जो है बना लेंगे, ये उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है, यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊँ यहाँ पर वही सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, टेम्परेचर चेक करना है, थर्मल स्कैनिंग होनी है। इसमें यही दिया गया कि पुस्तकालय में भीड़ नया हो, पुस्तकालयों में जो बच्चे बुक्स का इस्तेमाल करें उनको सैनिटाइज किया जाए उसके बाद इस्तेमाल किया जाए, यहाँ पर ये डिटेल्स सभी दी गई हैं। एक दूसरे का साबुन इस्तेमाल नहीं करना है, परिसर में इधर उधर नहीं थूकना है, छींकते समय अपने मुंह पर रुमाल ढकिए, इस तरीके के यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियाँ दी गई है। और छात्रवास का जो कोविड प्रोटोकॉल है वो भी यहाँ पर दिया गया है, छात्रवास में सुरक्षा व स्वास्थ्य को उपाय का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित है, करते हुए निम्नलिखित दिशा निर्देश संज्ञानित किए जाए। छात्र को परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर प्रयोग करना है, डाइनिंग हॉल कमरे में उचित दूरी बनानी है, रसोई डाइनिंग हॉल बाथरूम शौचालय आदि में स्वच्छता की निगरानी रखनी है, डाइनिंग हॉल में भीड़ से बचें, भोजन बनाए जाने से पूर्व जो कर्मचारी है फेस मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करें, छात्रों को कर्मचारी को बाज़ार में जाने से बचना चाहिए, जहां तक संभव हो आवश्यक वस्तु परिसर में उपलब्ध कराया जाए, इस तरीके के यहाँ पर डिटेल्स जो है वो दी गई है। और यहाँ पर देखिए ये किस किस विभाग को इन्होंने प्रेक्षित किया है, यहाँ पर विभाग की भी डिटेल जो है वो दी गई है। निजी सचिव उप मुख्यमंत्री शासन, अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, कुलपति समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
और समस्त मंडल आयुक्त और समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी तथा फाइल गार्ड फाइल, ये इस पर अपडेट जो है वो दिया गया है। दोस्तों इस अपडेट में यही था, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए तथा नोटिफिकेशन मिलते ही आप उस वीडियो को पूरा देख लें। टेलीग्राम चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल के अबाउट में हमने सभी सोशल मीडिया के लिंक दिए हुए हैं तथा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लिंक दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही टेलीग्राम ओपन होगा वहाँ पर ज्वाइन बटन आपको दिखेगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद जब भी हम टेलीग्राम में कोई भी नया अपडेट, नया PDF, नया कुछ भी डालेंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आप हमारे साथ 24 घंटे कनेक्ट रहेंगे, आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी हो आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।